ଓଡିଶା ତାଳଗଛ ଉପରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାକ୍ଷୀ। ତାଳଗଛ କାଟି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବଜ୍ରାଘାତ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବିପଦ। ଓଡିଶାର ତାଳଗଛକୁ ନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ତାଳଗଛ ଦେଖିଲେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଲଚାଲ। ତାମିଲନାଡୁକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଓଡିଶାର ତାଳଗଛ। କାରଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ଓଡିଶା ତାଳଗଛର ଚାହିଦା ବେଶୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଡେରା। ଏମିତି ଜାରି ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିପଦ। କାରଣ ତାଳଗଛ ହିଁ ବିଶେଷ କରି ବଜ୍ରାଘାତକୁ ରୋକିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଜ୍ରାଘାତରେ ହାରାହାରି 400 ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ତାଳଗଛ ଲଗାଇବାକୁ 2018 ମସିହା ମେ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ବିପଦର आशंका करुछंती परिवेशविद। एथिपाई मुख्यमंत्री को चिठी लिखिछंती परिवेशविद विश्वजित महांती। काठ बेपारी आसिकी ओडिशा रे कैंप करिकी गाँ गाँ बुलिकी तालगछ किणिकी लोकंठारू निज बाड़ी जो अच्छी ताको काटुचंती एवं सरकारी जमी रे भी जो गछ अच्छी जंगल जमी रे अच्छी रेवेन्यू लैंड रे अच्छी ताको भी काटुचंती। जा फल रे हाथी मानकर खाद्यर घोर अभाव देखा जीवो। कना ताल फल को हाथी खाई बंचती जून मस ठारू सेप्टेम्बर मस पर्यंत। तेणु यहीटा जब कटा जीव सब जगह गच शून्य पाई ताल गच कटिगले ये मात्रा रे हाथी मैंने आसिकी गाँ गहली पशे और बहुत उपद्रव करेंगे। द्वितीय कथा है बिजुली मारे ताल गच गोटे प्रतिरोध भाव में धर जाऊँ। वन विभाग निजे 2018 मसीह प्लांटेसन आरंभ कर ताल गचर विभिन्न गाँ गहली। तेणु मु बुझीपार सरकार किभली भाव में ताल गच कटापी अनुमति दौरान जहाँ एबे नितांत आवश्यक जे सरकार तुरंत ताल गच कटा बैन करंतु एवं कौनसी गोटे ताल गच तामिलनाडु जन न जाऊ। ओडिशा रो ताल गच कमी गले आउ एक बड़ विपद मुंड टेकिबो। ताल गच केवल वज्राघात को रोकी न थाए। ताल को हाथी माने निजर खाद्य भाव व्यवहार करिथांते। साधारणतः जून रु सेप्टेम्बर मध्य हाथी माने पाचिला ताल को खाद्य भाव ग्रहण करिथांते। किंतु हिंदोला अंचल रे खाद्य अभाव जो हाथी और मनीष लड़े एवं नित्यदिनिया घटना रे परिणत होइछि। एवं तालगछ सबु सफा होई गले हाथी खाद्य अभाव समस्या अधिक गुरुतर हेबार आशंका रहिछि। भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांत रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।